पता नहीं क्यों इसे यहाँ रखवाया। Excuse me, क्या कर रहे हो? It's my car. Oh, okay. Hello, उस लेटर में क्या है? I don't know. लव लेटर है क्या? Maybe. उन लोगों ने कहा कि लगता है चले गए वो लोग। Anyways, पेपर वेस्ट मत करो। Give it to some other girl. Hello, excuse me. ये लव लेटर मेरा नहीं है। चाहो तो हैंड राइटिंग चेक कर लो मेरी। What? सुंदरता का कोई दूसरा नाम होगा तो वो तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी गहरी नशीली आंखें किसी को भी मदहोश कर देती हैं। तुम्हारे होठों की मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं। भगवान की बनाई नायाब कलाकृति हो तुम। Forget about handwriting. ऐसा लेटर मैं अपनी जिंदगी में नहीं लिख सकता। What? Really? It's all a joke. इसमें सब झूठ लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओहो, तुम होते तो क्या लिखते? पहले किसी से प्यार तो हो जाए। हेलो। ए सुरेश, लगता है वो सेठ है। अब दूसरे नंबर से बात कर रहा है। ले बात कर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? साईराम है क्या? आप? तुम्हारे सर को पैसे देने वाला बेवकूफ बोल रहा हूँ। एक बार साईराम को फोन दो। वो सर सर गांव गए हैं। गांव गए? चाचा जी की मृत्यु हो गई है ना, तो आज ही वो गांव चले गए हैं और शौक में फोन शॉप में ही भूल गए हैं। ऐसा देख के पहले ही बेवकूफ बना चुका है वो। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा उसे मैं। ओके सर। चाचा जी क्यों कहा? दादाजी कहना चाहिए। शांत हो जाइए सर, अब तक आपके दादाजी जिंदा है बोलूंगा तो कोई नहीं मानेगा। वैसे आपने उसके पास से उधार क्यों लिया सर? मांगने की बारी आई तो वो शैतान बन गया, पर जब मैंने पैसे दिए तो भगवान की तरह चुपचाप रहा। ठीक है, वो 10,000 है क्या? सेठ को देना ना मुझे? नहीं है सर। नहीं है ना, तो बेकार की सलाह भी मत दे, चल जा। टॉपिक अच्छे से चेंज किया। अरे अरे संभल के। कौन से जंगल से आए भाई तुम लोग? लगी तो नहीं, उठी। टक्कर लगती तो मर जाते। संभल के। गधा कहीं का। अरे छोड़ो यार, अरे कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे बाइक की चाबी। ए सुनो, ए रुको, कौन हो तुम? परेशान मत हो साहब, हमें मालक पेट के सेठ ने भेजा है। मालक पेट सेठ? वो कौन है? अपने सेठ से उधार लिया था ना, वो दे दो, चाबी लेके जाओ। वो कोई और होगा, बेवजह आपने मुझे गिरा दिया। अपने सेठ से जाकर पूछो कि वो है कौन। तुम साईराम नहीं हो क्या? कौन? साईराम। मैं नहीं हूँ। ये गाड़ी तेरी है ना? हा? गाड़ी? हाँ मेरी है। तो ये गाड़ी साईराम के नाम पे क्यों है? अब लेके जाऊँ ना? ये तो चोर की आरसी है। तुम्हारे सेठ को किसी ने धोखा दिया है। ये कौन है? ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। वसूली करता हूँ तो ऐसे बहाने लोग बनाते हैं, समझा? पैसा दे देना, चाबी लेके जाए। चल चाय के लिए बोल। अरे साई, कैसे हो? चाचा जी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो मालक पेट के सेठ को आप जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। अभी आप जाके अर्जेंट उसे 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा। ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ। वैसे तू कैसा है? मुझे भी बहुत से लोगों से पैसे लेने, पर किसी को ऐसे रोड पर रोक कर मैंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। वसूली करना है तो बोलिए साहब, मैं वसूली कर दूंगा ना। 100 पे 5 बनेगा बस। मैं खुद एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ, समझा? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हाँ सर। उसे चाबी दे दो। हाँ ठीक है, ये लो पकड़ो अपनी चाबी। साहब मेरे नंबर ले लीजिए। साहब आप भले ही कितने बड़े पहलवान हो, लेकिन वसूली करने निकलेंगे तो कोई डरेगा नहीं आपसे। अगर ये काम हमें दोगे तो हम भी 2 पैसे कमा लेंगे। 7 8 9 1 0 दूर रह के बोलना। 4 5 1 2 3 हमारे सभी ब्रांच में सेल अच्छी हो रही है, बस इसी ब्रांच में अभी तक पिकअप नहीं हुआ। किसी के पास अगर कोई आइडिया है तो बताओ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन शॉपिंग सर। ये तो सबको पता है, मैंने आइडिया मांगा है। ऑल राइट, 1,000 रुपीज फॉर गुड आइडिया। सर MRP को बदल के 25% तक मेगा डिस्काउंट से रख देते हैं सर। ये कस्टमर को धोखा देना होगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए डिस्काउंट में खरीदारी करने की खुशी उन्हें हम देंगे और हम कैश भी बनाएंगे। हम उनको धोखा नहीं दे रहे हैं सर, प्रोडक्ट के साथ साथ हम उन्हें खुशी भी दे रहे हैं। ये सही नहीं है। कस्टमर के इम्पोर्टेंस के बारे में गांधी जी ने एक बात बताई थी, पता है? तुम्हें नहीं पता होगी,
आप में से किसी को पता है? मुझे पता है सर, एक कस्टमर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। बस इतना ही सर। किसी को नहीं पता है क्या? A customer is the most important visitors on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider or business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. सही कहा। पर हम गांधी जी के समय में नहीं है ना सर। सर सर सर, हमारा 80% स्टॉक शाम तक क्लियर हो जाएगा सर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए रिटायर होने की सोच रहा हूँ। ये क्या सर, अचानक? अचानक नहीं, एक साल से सोच रहा था। उम्र हो गई है, काम नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात, तुम दोनों की मैंने सिफारिश की है जीएम से, वो फर्स्ट वीक में आएंगे इंटरव्यू लेने। तुम दोनों में से एक मैनेजर बनेगा, भले ही कोई भी मैनेजर होगा, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस स्टोर को अच्छे से डेवलप करना होगा, इसे संभाल लेना। ठीक है सर। ओके सर, कांग्रेचुलेशन सर। वहाँ 10 मिनट रुका था और रुकता तो सभी गेट के बाहर रहते। यहाँ पर कब आया? तुम्हारे पीछे ही तो आया। All class teachers are requested to send students participating in annual day celebrations to the auditorium. चलो चलो अंदर चलो। चलो, चलो। जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी। ए रुको। कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ। वो सब तूने किया? माइदा, तेरा दोस्त वीर वो गेट पर खड़ा है। वीर? हाँ ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। ड्रामा में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी अपने कॉस्ट्यूम ऑडिटोरियम में जाकर लेके आओ। तुम ड्रामा में तो नहीं हो ना? मैं वीर से मिल कर आती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को बता के आए हो? दीदी को बताए बिना आने से मना किया था ना मैंने? चलो घर जाओ। जाओ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। स्कूल में आना है क्या? बैठ जाओ और यहाँ से हिलना मत। ये तो कितना बड़ा है। अंकल, इसकी ड्रेस इसे फिट नहीं हो रही है। बाहर मत निकलना, ठीक है ना? Excuse me, ma'am. New admission, ma'am. Oh, new admission. Come, come, come. Very good. Come, come, come. What is your name? Veer Shankar, ma'am. Veer Shankar. Very good name. Come. Sit here. Good. Repeat after me.